बासुपुर नगर के राजा रतन सिंह को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम वीर बहादुर रखा गया। वीर बहादुर बचपन से ही बहुत अलग विचारों वाला है। वीर बहादुर का आज 7वां जन्मदिन है और वो भगवान जी से आशीर्वाद लेने परिवार के साथ मंदिर जाता है। वीर के साथ उसके माता पिता भी हैं। वीर, तुम अब 7 वर्ष के हो गए हो, तुम नहीं जानते हो कि हमने कितने पूजा पाठ, व्रत और दूसरे उपाय अपनाए, तब जाकर भगवान ने हमारी सुनी और वर्षों बाद तुम्हें हमारी झोली में डाला। मंदिर पहुंच जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वहां उपस्थित पंडित जी से बात करते हैं। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने वीर की कुंडली देखकर उसके जन्म के समय ही उसके बारे में कुछ बताया था। वीर कुछ बातें न सुने इसलिए उसे बाहर खेलने के लिए भेज दिया। बेटा जाओ सामने खेल लो, देखो तुम्हारे जैसे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। हाँ हाँ जाओ बेटा, खेल लो खेलो खेलो। वीर बच्चों के साथ खेलने चला जाता है लेकिन तभी एक भयानक धूल भरी आंधी तूफान आ गया। ये इस सदी का सबसे भयंकर तूफान है। सभी बच्चे इधर से उधर भागने लगे और वीर भी कहीं जाकर छुप गया और तेज बारिश शुरू हो गई। राजा साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे वीर को लाइए। धैर्य बनाए रखिए, बारिश की वजह से यही कहीं छुपा होगा। जैसे ही बारिश बंद होगी हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। रानी रूपवती बहुत घबरा रही है और जोर जोर से रोने लगती है लेकिन तभी बारिश रुक जाती है। वीर बहुत बहादुर है, तुम घबराओ नहीं, वो आता ही होगा, उस पर स्वयं महाकाल की कृपा है, लेकिन तुम्हें उसे वट वृक्ष से दूर रखना होगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ पंडित जी? वट वृक्ष के पेड़ को छूते ही उसे उसकी शक्ति और सपने याद आ जाएंगे और वो तुमसे बहुत दूर जा सकता है। उसकी कुंडली में जो लिखा है वो तुम्हें याद है ना? मेरा बेटा मिले तो सही, मैं आगे से उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कलेजे से लगा कर ही रखूंगी मेरे लाल को। तभी वीर हाथ में कुछ अमरूद लिए चला आ रहा है। देखो वो आ गया वीर, मैंने कहा था ना कि बारिश बंद होते ही वो आ जाएगा। रानी रूपवती दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। कहाँ गए थे तुम बेटा? मैं घबरा गई, मैं तुम्हें एक पल भी आंखों से ओझल नहीं देख सकती, आगे से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, वो तूफान देखकर मैं डर गया था और इधर उधर भागते हुए एक पेड़ के नीचे जा छिपा था, उस पेड़ ने मुझे बचा लिया। कौन सा पेड़ बेटा? वीर सामने वट वृक्ष की ओर इशारा करता है। रानी रूपवती और पंडित जी तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। पंडित जी अब क्या होगा? अब जो भी ईश्वर ने इसके लिए लिखा होगा वही होगा, अब इसे रोकना हमें पाप है। ठीक है पंडित जी, हम ईश्वर की इच्छा समझ वीर को आजाद छोड़ देंगे, वो जो जीवन में चाहता है उसे करने देंगे। लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं कैसे ही छोड़ सकती हूँ? हम तुम्हें समझते हैं, लेकिन जिसके ऊपर स्वयं महाकाल का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी रूपवती और राजा रतन सिंह को लेकर पंडित को प्रणाम कर वापस महल लौट आते हैं। एक महीने बाद वीर सुबह सुबह दौड़ कर आया। माँ माँ, जग गई तुम? चलो नाश्ता कर लो। माँ पहले मेरी बात सुनो, आज मैंने कुछ देखा। बोलो क्या देखा? माँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड, उसपे बड़े बड़े पत्थर और पत्थर के पास समूह में घूमते अजीब से दिखने वाले कुछ जीव। रानी रूपवती अब तक वीर की बात समझ चुकी है लेकिन वो वीर को टाल देती है। वीर तुम भी कहाँ कहाँ ध्यान रखते हो, ये लो दूध पियो, ज्यादा मत सोचा करो और धनुर्विद्या सीखने जाओ। ठीक है माँ। फिर कुछ दिन बाद वीर को वही सपना आया और वीर ने अपनी माँ को बताया लेकिन उन्होंने उसे इस बार भी टाल दिया। वीर की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसका लक्ष्य अब इस सपने के सच को जानना ही हो गया। कुछ दिन बाद
महल में हवन पूजन का आयोजन हुआ और वही पंडित जी आए और हवन के समय वीर की नजर आसमान में उड़ती एक कश्ती के आकार की संरचना पर पड़ी। वीर चिल्लाया, देखो देखो ये क्या आया है, ये हवा में कैसे उड़ सकता है। सभी वीर को आश्चर्य की नजरों से देखने लगे क्योंकि किसी को भी आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा तुम क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन रानी रूपवती और पंडित जी ये बात समझ जाते हैं। वीर को बेइज्जती महसूस होती है और वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है और अगले कई दिनों तक वह कमरे से बाहर नहीं आता, जिसके कारण वीर अब बीमार है। बेटा ये दवाई खा लो और आ जाओ बाहर, थोड़ा घूम लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। बहुत हटी हो गया है वीर, देखिए न दवाई खा रहा है और ना ही बाहर घूमने आ रहा है। वीर वीर तुम उस दिन वाली बात से अब तक नाराज हो? नहीं, लेकिन वो सच में था। बेटा ये बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो और तुम्हारी माँ जानती है, लेकिन जो लोग हंसे थे जब तुमको ही नहीं जानते तो वो तुम्हारी बात कैसे समझेंगे। तो इसलिए अब तुम भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो और बाहर घूमने चलो। हाँ चलो वीर, तुम्हारा भी मन ठीक हो जाएगा। वीर चला जाता है और जाकर तलवार चलाने लगता है, लेकिन तभी आसमान में उसे फिर से वही दिखता है। लेकिन इस बार वीर डरा नहीं है और न ही किसी को बताया, लेकिन चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। ये कोई रहस्य है और इसे मुझे ही जानना है। पिताजी सही कहते हैं कि जो लोग मुझे जानते ही नहीं समझेंगे कैसे, इसीलिए मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। वो कश्ती रूपी संरचना नीचे आने लगती है जो देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षक है। वाओ, इस पर बैठकर तो मैं पूरा महल घूम सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वीर वायु कश्ती की तरफ बढ़ता है, तभी राजा रतन सिंह की आवाज आ जाती है और कश्ती भी गायब हो जाती है। वीर वापस आने लगता है। रात को वीर अपनी खिड़की से यूं ही बाहर देख रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारे, घना काला आसमान उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी वो कश्ती वापस आती है और उससे एक सफेद रंग का दुबला पतला लंबे लंबे हाथों और पैरों वाला एक विचित्र मुख वाला एक अजीब जीव निकलकर वीर की खिड़की में आता है और वीर जोर से चिल्लाता है। राजा रतन सिंह और रानी रूपवती भी आवाज सुनकर आ गए। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।